Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि वट न्यूज, वट इन्फॉर्मेशन, क्या खबर, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज, क्या गुड न्यूज भी हो सकता है वो, एंड डेफिनेटली क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs एंड इट इज अ जनरल prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. यहाँ पे हम पहले क्यूब्स को टॉस करेंगे एंड देन वी विल शफल द कार्ड्स टू क्लैरिफाई. ठीक है, समझ में आ रहा है. पहले हम क्यूब्स को थोड़ा सा टॉस करेंगे इस तरह, और उसके बाद हर एक कार्ड को, हर एक क्यूब को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द कार्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. थैंक यू फॉर द विशेस दैट यू हैव सेंड इट टू मी फॉर माय हेल्थ. थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, अभी भी पेन है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. ओके, तो चलो देख लेते हैं कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा गुड न्यूज अराइवल, क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है. इवेंट्स, ब्लेसिंग्स, गुड लक, लेट्स यूनिवर्स प्लीज बताइए. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ सकता है. ओके, फर्स्ट कम्स एज अ टावर, गिटार, surprised, hopeful, silly, boy, okay, bucket and the spade, water can and the flower. देखो यहाँ पे पहले है हमारे पास टावर. ओके, सो टावर यहाँ पे कोई ऐसा आग वाला कुछ चीज नहीं है. यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, किसी किसी के sun signs, moon signs या zodiac signs. नाउ टावर इट ऑल्सो इंडिकेट सम सर्टन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीकॉम टावर अगर है तो ऑफकोर्स कुछ बातें किसी के साथ, इम्पॉर्टेंट मेल, इम्पॉर्टेंट यू कैन से अर्जेंट मैसेजेस, ठीक है, जो आप डेफिनेटली रिसीव तो करने वाले थे, लेकिन टावर की प्रॉब्लम की वजह से आपके पास वो मैसेज नहीं आ रहा था, बट वो आ जाएगा. या उनका नेटवर्क कनेक्शन कुछ वीक था, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल सून गेट अ मैसेज और अ रिप्लाई. ठीक है, आपने जो भी अप्रूवल के लिए दिया था, मोस्ट पॉसिबल केसेस यस. ठीक है, कुछ ही केसेस में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि यस यू शुड चेक अगेन एंड देन सेंड इट. आपको बोला जा सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से चेक करें एंड देन सेंड इट. और टावर अगेन इंडिकेट्स अ रीबर्थ ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या पुराना रिलेशनशिप जो है उसी को फिर से स्टार्ट हो सकता है. कुछ इम्पॉर्टेंट पोजिशन में भी प्रमोशन लेटर आपको मिल सकता है, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट. नाउ लेट मी क्लैरिफाई. ठीक है, क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स क्लैरिफाई. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे टावर किस लिए है. ओके, यहाँ पे टावर किस लिए है, वाई दिस टावर इज देयर. दिस इज सेकंड गाइज, वन कार्ड हैज फॉलन. देख लेते हैं व्हाई दिस टावर इज देयर, टावर किस लिए है. क्वीन ऑफ कप्स. सो कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इस तरह से है. यहाँ पे देखो स्टारफिश भी है. सो ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए आपकी जो किस्मत है वो डेफिनेटली फॉर ब्राइटर फेज स्टार्ट होगा. आपको डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आता रहेगा, कुछ लाभ मैसेजेस हो सकता है. यहाँ पे भी देखो एक एंट्रेंस बन रहा है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स आपका क्लियर हो सकता है. आप बहुत ही इमोशनल हो सकते हो उस न्यूज़ को सुनने के बाद. मे बी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे. यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू नो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के भले हो. ठीक है, तो आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर्स है, आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि बिकॉज आप डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे काम कर रहे थे.
आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है, लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर ही लेते हैं. एंड डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो इंडिकेट्स अ नरिशमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप. एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में स्टार्ट होगा जहाँ पे आपके पार्टनर जो है, ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर हो, ठीक है, या एक्स हो, जो भी है, इनके अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे एंड दिस पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल. ठीक है, आप काफ़ी देखोगे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लिए चेंज होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कुछ ऐसे न्यूज़, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको बदल देगा, क्योंकि हिला के रख देगा. बट यहाँ पे मुझे कोई ऐसा डेंजर नहीं दिख रहा है बिकॉज देर इज़ नो बर्निंग. यहाँ पे मुझे आग नहीं दिख रहा है. सो टू फाइंड कूल एंड काम रिलेशनशिप्स आर कमिंग इन योर वे. बहुत ज़्यादा शांत, ठीक है, जहाँ पे आप अपने माइंड को सही तरह, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं ना कि पूरी तरह से पागल कर देते हैं, बिखर जाता है हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है. सो यहाँ पे जो है आई टू फाइंड कूल एंड काम रिलेशनशिप. यहाँ पे गिटर क्या है, मे बी आप हो सकता है कि कोई ऑर्केस्ट्रा या मे बी बैंड में आप काम करते हो, या आपके काम का शुरुआत है कोई एल्बम में, मे बी आपको चांस मिल सकता है अगर आप रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, या आप अपने रिक्रिएशन के लिए अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं पे जाओगे, मे बी बार, मे बी पब और समथिंग की, जहाँ पे ये बजता रहेगा, या आपको गिटार बजाने की शौक है, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड की या आपकी, हो सकता है कि आप उनका विश जो है वो पूरा करें या वो आपका विश जो है वो पूरा करें. म्यूजिक ऑलवेज कनेक्ट्स अ सोल, सो सोल टू सोल कनेक्शन भी हो सकता है. हो सकता है कि आपके लवर जो है काफ़ी म्यूजिक के शौकीन हैं, मे बी दे आर गोइंग टू वॉच, दे आर गोइंग टू स्टार्ट एनी चैनल. सो इस तरह से हो सकता है. और म्यूजिक इज़ अ वेरी स्वीट थिंग, ठीक है. सो देखते हैं ऐसा कौन सा होगा कि सेलिब्रेशन में भी पार्टीज आप दोगे, मे बी कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकता है ना. सो लेट्स सी यहाँ पे गिटार क्यों है, व्हाई देयर इज अ गिटार, क्योंकि बर्थडे पार्टीज इवेंट्स में ही लोग शामिल होते हैं, ग्रुप होते हैं, पता है चल तू बजा, बजा के सुना, बहुत दिन सुनाया नहीं. यस, पेज ऑफ वैंस, आई टोल्ड यू, यहाँ पे मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है लोग आपकी वॉइस को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट न्यू आइडियाज़, क्योंकि पेज ऑफ वैंस है न्यू आइडियाज़ की कार्ड, कि जहाँ पे आप उसके ऊपर फोकस करोगे. आपको लग सकता है कि मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा बिजली को छूने वाला हूँ और उसके शॉक मुझे मिल सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक मुझे मिल सकते हैं, मैं गिर भी सकता हूँ, ठीक है, मैं गिर भी सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी, ठीक है, ऐसा उम्मीद नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, मुझे जीतना ही है और न्यू आइडियाज से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस ज़िंदगी में, ठीक है. आई टोल्ड यू मे बी विल स्टार्ट समथिंग न्यू, मे बी चैनल्स, मे बी कोचिंग क्लासेस, ठीक है, इस तरह से. सरप्राइज अब क्यों होंगे, किस लिए आप सरप्राइज होंगे, कौन सा चीज़ आपको सरप्राइज करेगा. आई टू फील कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, किंग ऑफ वैंड्स, मे बी आपको पोजीशन दिया जाएगा, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आपकी कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, या आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि देखो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने लोगों को मैसेज पहुंचा देना है, लोगों से काम निकलना है, वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते. एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो आपको गुस्सा हो रहा था, ठीक है, कि मुझे, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे डिजर्विंग पोस्ट नहीं मिलते हैं, मे बी यू आर गेटिंग दैट पोजिशन, मे बी आप एक छोटा चीज़ को भी बहुत बड़ा तरीके से आप देखोगे, कि आप देखोगे वाह ये सही अपॉर्चुनिटी है, मुझे ले लेना चाहिए. एंड डेफिनेटली विल बी सरप्राइज, अरे वाह मेरे पास आ चुका है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चलो मैं निभाता हूँ या निभाती हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे होपफुल क्यों है, वाई दिस इज होपफुल, हो सकता है कि कुछ ऐसे है कि आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे उस चीज़ के लिए. यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है कि स्पेसिफिकली मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे कि यस आई कैन अचीव दैट. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्योंकि मुझे साइंस बताना था, क्योंकि यहाँ पे देखो आई डू फाइंड कि आपको लगेगा कि मैं आसमान को छू सकता हूँ एंड मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगा,
मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ बिल्ड अप कर सकता हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप उम्मीद नहीं हारोगे और उसके पीछे ही आप लगे रहोगे। गुड। सिली सिली में भी आप कुछ ऐसे हरकत करोगे जिसके वजह से आपको डांट मिलेगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। सो वाई दिस सिली, सिली क्यों आए यहाँ पे? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद फील होगा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे आपको फील होगा कि मैंने ऐसी हरकत कर दिया है ना, कि मेरे वजह से कोई इंसान इस तरह से ना सफ़र कर रहा है, मेरे वजह से मेरे ही गर्लफ्रेंड, मेरे ही बॉयफ्रेंड मेरी ज़िंदगी से, ठीक है, निकल चुके हैं, एंड शायद वो वापस नहीं आएंगे, या उम्मीद नहीं है आपको, तो आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, तो मैंने ही मतलब जानबूझ के हो या अनजाने में हो, मेरे से ही गलती हो गया है। सो आप रियलाइज़ करोगे अपना मिस्टेक, या आपके पर्सन भी कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप का डेथ नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ अ कॉफिन ओवर हियर, ठीक है, डेथ नहीं होता। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ घाट भी है, यहाँ पे देखो कुछ पहाड़ी इलाके है घाट से, आई डू फील ऑलवेज दिस इज लाइक अ घाट ऑफ गंगाज की, कहीं ना कहीं पे जहाँ पे शव को जलाया जाता है, तो आई डू फील दिस इज दिस एटमोसफेयर, तो कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, उस मोमेंट में मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, जिस मोमेंट पे हो सकता है किसी का सडन लॉस हो गया होगा, तो आपने गलत मोमेंट पे एंट्री मार दिया, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉटी बॉय क्यों आया है? व्हाई दिस नॉटी बॉय, हु इज दिस नॉटी बॉय, नॉटी बॉय कौन है? ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। नॉटी बॉय, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगेगा आपके पर्सन जो है एकदम बचकाने हरकत करते हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपको काफ़ी इंतजार करवाते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, आपके पर्सन को सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही दिखाई देता है और तो कुछ दिखाई नहीं देता, प्यार तो उनके अंदर है ही नहीं, प्यार तो वो सिर्फ लेना जानते हैं, जैसे बच्चे माँ से प्यार लेना जानते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली बच्चे ऑफकोर्स माँ को पसंद करते हैं, नो डाउट, बट जितना प्यार मम्मा करती है बेबी को, उतना ही ताकत से वो कैसे करते हैं, नहीं ना? ओके, सो आई डू फाइंड कि आपको लग सकता है कि मेरा ही अटैचमेंट सबसे ज़्यादा है, मेरे पर्सन तो मेरे तरफ अटेंशन ही नहीं देते हैं, सो आपको लग सकता है ये तो सिर्फ जोक्स मारते हैं और फिर फ्लर्ट करते रहते हैं, कभी सीरियस नहीं होते हैं, मैं और कितना इंतज़ार करूँ, मुझे और इंतज़ार नहीं करना है। यहाँ पे ये बकेट और स्पेड क्यों आई है? जनरली कोस्टल एरिया में जो सैंड होते हैं ना, उससे लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, बचपन में हम लोग भी क्रिए होंगे, आप लोग भी किए होंगे, सो दिस इज सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइक व्हाई दिस बकेट एंड स्पेड हैज कम, बकेट और स्पेड या गार्डनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, सो समथिंग क्रिएटिव मे बी, बकेट एंड स्पेड किस लिए आया है यहाँ पे, प्लीज बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज बताइए। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, यहाँ पे देखो आप कुछ बनाने की कोशिश करोगे कि, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सैंड ऐसा है, थोड़ा सा पानी आएगा तो वो बिखर जाएगा, ठीक है, तो लोग आपको रुकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप कुछ बोलने जाओगे, आप कुछ क्रिएटिव शो करने जाओगे कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, लोग आपको और अपोज करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको खींचेंगे, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ, आपके प्रोजेक्ट को बिखार भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, आपकी उम्मीदों पे ऊपर पानी भी दे सकते हैं, इस तरह से आपने उम्मीद से वो ड्राइंग क्रिएट किया, वो सैंड से, सैंड आर्किटेक्चर आप जानते ही हो, बालू से बनाया जाता है, राइट, वो वाला फेसेस, कुछ कार्टून या घर भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पानी आके उसको बिखर देता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होंगे और आपके आइडियाज़ के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, एज सिंपल एज दैट, लेकिन आप अपने हिम्मत से आगे बढ़ोगे। वाई दिस वाटर कैन इज देयर, देखो पानी भी, पानी का कैन भी है यहाँ पे, वाई दिस वाटर कैन इज देयर, एक्वेरियस को हो सकता है कुंभ राशि स्ट्रांगली,
देखा, फाइव मोमेंट्स पानी दे देगा आपके काम पे। आप बहुत ज्यादा सावधान से रहिए गाइज, ठीक है, क्योंकि आपको अपोज करने के लिए बहुत लोग तैयार है। 7 7 5 5 3 इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया था ना कि आप देखो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, यू आर जस्ट अप्रोचिंग देयर, बट यहाँ से क्या है, आग आ रहा है और यहाँ पे सब डरावने हैं, मतलब क्या है, ड्रैगन है, बट ये जो है ना मुखौटा पहने है, इंसान एक ड्रैगन के रूप में आ रहा है, ठीक है, या ड्रैगन के रूप में इंसान आके आपको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिंग एलिमेंट है। सो फायरी कुछ लोग आपके ऊपर आपको ज़रूर प्रोवोक करेंगे कि आप कुछ बोलो, ताकि उसको उसको इशू क्रिएट किया जा सके, या उसको मतलब कुछ नेगेटिव वे में उसको डाल सके। ओके, सो व्हाई दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों है, ठीक है, यहाँ पे फूल क्यों आया, जैस्मिन फ्लावर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है बिफोर यू गिव दिस फ्लावर टू एनीवन, ठीक है, आपके रिश्ते की जानकारी के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, या आप ऐसे फूल हो, ठीक है, वो ऐसे स्वॉर्ड है, तलवार है, तो ये आपको, ये आपके जो पेड़ है उससे वो आपको छीनने की कोशिश करेंगे। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान आपको पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली गुड न्यूज़, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने साइन किया था वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट मैं देख पा रही हूँ कि न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशन, फिर इंफॉर्मेशन, केयरिंग, नरिशिंग रिलेशनशिप, लोगों के साथ डिस्कशन करना, एक कंस्ट्रक्शन कुछ क्रिएट करना, बहुत ही बढ़िया इस बार आ रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द ओरेकल डेक, ठीक है, ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द ओरेकल डेक, यूनिवर्स प्लीज बताइए, प्लीज मैसेज दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइस एंड थैंक यू। 7 दिन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा ही आएगा, गारंटीड, ओके। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं भाई, आप ना जो तजुर्बे वाले इंसान हैं, जिस तरह से बड़े पापा होते हैं, पापा मम्मी, ठीक है, और भी बुजुर्ग इंसान, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, अगर वो जीवित है, पूर्वज है, तो अगर वो जीवित है, 2 जनरेशन पहले अगर कोई है, तो आप उनसे प्लीज़ एडवाइस लीजिए, ठीक है, सलाह लीजिए। हमेशा ही तुरंत तुरंत एक्शन करने से ना काम नहीं होता, यू हैव टू ट्रस्ट इन द अननोन। या अगर आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते, छोड़ो मारो गोली, फिर आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उनकी शक्ति के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि एक ना एक दिन ज़रूर सब कुछ सही होगा। बिकॉज सी द ईगल, ये जो ईगल है सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है, राइट, सो इंटेलिजेंस का एक स्थान होगा ही, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, फिर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कर पा रहा हूँ, मैं डिजर्विंग, मेरा जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे नहीं मिलता है उतना। सो वो आपकी एक सोच है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, यू हैव टू, जब आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स के ऊपर, उसको बोला जाता है फेथ, सो यू हैव टू हैव दैट फेथ। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आप अपने सिक्स सेंस को, आप अपने नॉलेज को, पावर को ट्रस्ट करना तो सीखे। खुद के ऊपर आपका भरोसा है गाइस? मुझे तो नहीं लगता, कुछ लोगों का तो नहीं है, उम्मीद खो चुके हो, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा, इस तरह का मेंटेलिटी आपको नेगेटिव ही तरफ लेके जाएगा, ठीक है, ओके। आप अपना पोजीशन क्यों छोड़ोगे लोगों के लिए? हाई प्रेस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, इंटेंशन है आपका कुछ करने का, कर दिखाने का, दिखाओ करके, जस्ट शो, यू आर फुल ऑफ पावर। हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, इंटेंशन रखो, एक एम्बिशन रखो, एक शॉर्टकट जो तरीका है ना उसको अपनाने मत जाओ, एक शॉर्ट टर्म गोल को पहले हासिल करो, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करो, ठीक है। हाई प्रीस्ट, दिस इज लाइक द हायरोफेंट, नॉलेज को सही जगह पे यूज करो, चाहे आप कहीं से भी नॉलेज लिए हो, चाहे बुक्स हो, इंटरनेट हो, कहीं पे भी, और भी नॉलेज आपको लेने की जरूरत भी है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. And thanks for the wishes.